जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन की शीघ्रता से जांच करें फील्ड ऑफिसर। वहीं आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन आवेदन में भूल सुधार का पात्र 20 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। वहीं आपको बता दें, अधिक पेंशन के लिए भरे जाने वाले संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन की शीघ्रता से जाँच की जाएगी। आवेदन में भूल सुधार के लिए आवेदन मिलने के 20 दिन के अंदर अंदर मांग पत्र भेजा जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2 जून 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था। इस बात की पुष्टि हुई थी, इसमें कहा गया है कि किसी अतिरिक्त प्रमाण या सच के या आवेदन से संबंधित किसी भी गलती को ठीक करने के लिए आवेदन प्राप्त 20 दिनों के भीतर नियोक्ता की सूचना जारी की जाएगी। सर्कुलेशन मुताबिक ईपीएफओ फील ऑफिस संयुक्त आवेदन पत्र सीमा समीक्षा करेगा। एक बार जब भी शर्तें पूरी होने और नियोक्ता द्वारा वेतन की जानकारी जमा करने पर इसे ईपीएफ के डाटाबेस से चेक किया जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।